मैं सागर तुम मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रख स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, जब मेरे साथ तुम कंडीशन खराब करने की कोशिश करोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तक सोना बनूंगा मैं, तो मुझको कब तक रोकोगे? बहुत जो ये है प्रीवेज, प्रीवेज समझते हो ना क्या होता है? तो ये प्रीवेज है जो तुम्हारे किसी काम का नहीं, वैसे तुम एक लाइन सुन सकते हो, आई विल डेडिकेट दिस एफर्ट, आई ऑलवेज माई ऑल द एफर्ट, मतलब जितना भी मैं करता हूँ सब डेडिकेशन तीन ही लोगों को देता हूँ, भगत सिंह फर्स्ट नंबर पर, माई मदर एंड माई वाइफ, ठीक, ये हुआ पहला। दूसरा एलिजिबिलिटी फॉर एम्स, आपको समझ में नहीं आती तो उस वजह से मेरी लैंग्वेज में समझ लो ना, बिल्कुल एकदम राजा राजा लैंग्वेज। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑल एम्स 1207, टोटल नंबर ऑफ टोटल फीस पूरे 5 साल की फीस कितनी है? 4228, ठीक है, ओमेगा में तो 10 राउंड में एम्स की फीस जमा होती है। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन जो कुछ आप आगे पूछते हो सर ऐसा कैसे होता है, इसमें ये कैसे होता है भाई, इंडिविजुअल सब्जेक्ट लें तो क्या होगा, क्यों लें तो क्या होगा, मैथ्स है अभी ट्वेल्थ इंटर में क्या, ये सारी जितने भी थॉट्स हैं वो सारे इस पर लिखे हुए हैं। एमबीबीएस कट ऑफ इस बार का कितना गया है वो लिखा है, परसेंट आए कट ऑफ रैंक कितनी गई है सब लिखा हुआ है। पेपर एनालिसिस देखिए सबसे जबरदस्त, एम्स पेपर एनालिसिस 25 मई 2019 शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है, चालू शिफ्ट का पेपर है, पेपर चालू होने से पहले चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने एसर्शन रीजन थे, कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, कितने रिपीटेड सवाल थे, कितने केमिस्ट्री एनसीईआरटी बायो मॉलिक्यूल्स उठाए थे, कितने मिक्स क्वेश्चन थे, ठीक है, ये सारी ये तुम्हारा हो गया पेपर। पेपर के बाद सबसे बड़ा इसमें जो बूम है वो ये है कि आंसर की एकदम करेक्टेड रेफरेंस और उसके नीचे हमारी एक गंदी सी फोटो है ना, और नीचे मेरा स्लोगन गिव मी अ बोर्ड एंड अ मार्कर एंड आई विल मेक यू फॉल इन लव विद, ये मेरा पुराना डायलॉग है। अब इधर पढ़ लो, इसके साथ एक शेड्यूलर चार्ट है, मैंने आपको बोला था ना मैं दूंगा, ये देखिए ये है शेड्यूलर चार्ट, ठीक है, इसके ऊपर ओमेगा ने पेस्ट कर दिया अपना साहिल सिद्दीकी ने, इसमें क्या है कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आज क्या पढ़े यार, फिजिक्स पढ़े तो केमिस्ट्री की याद आती है, केमिस्ट्री पढ़े तो बायो की, और याद रखी चैप्टर पढ़े तो सेम सब्जेक्ट के दूसरे चैप्टर की याद आती है, आती है नीचे भी कर लो इधर, तो बेटा हमें आइडिया नहीं होता कि कौन सा चैप्टर हमारा कितना तैयार है, ठीक है, मेरी तैयारी कैसी जा रही है। तो ये चार्ट जो है ये मैं मतलब ये मैं लास्ट ईयर में बच्चों को सिखाता था कि ऐसे किया जाता है, लेकिन इस बार मैंने कहा कि मैं खुद बना के देता हूँ, ठीक है। तो ये चार्ट है, इस चार्ट में ऐसा है, ये चार्ट आपने सिखाया, ठीक है, और इसके बाद इसमें बायो का सेक्शन है, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर, फिजिक्स के विजन, आपका टीचर जिस दिन जैसे एक टॉपिक पढ़ाया, जैसे मान लो रिस्पायरेशन इन प्लांट, या मान लो कुछ मिसाइल का यूनिट ऑफ लाइफ, उसने जो आज पढ़ाया वो लिखोगे, यहाँ पर उसकी डेट लिखोगे, जिस दिन वो चैप्टर खत्म होगा आप टिक मारोगे, विजन विजन पे कंप्लीटेड पे टिक मारोगे और डेट लिखोगे किस दिन मेरा चैप्टर फिनिश। ऐसे आपने केमिस्ट्री में बायो में कर लिया, केमिस्ट्री में कर लिया, फिजिक्स में कर लिया, आपने सुबह सुबह उठा और सोचा यार चले यार कुछ रिवाइज करते हैं, तो मैंने देखा जो सबसे पुरानी डेट है, जैसे 22 अगस्त को मैंने जनरल काइनेटिक्स पढ़ी थी और 8 सितंबर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो मुझे रिवीजन क्या करना चाहिए, केमिकल काइनेटिक्स, क्लियर है। और जिस दिन उसका रिवीजन किया R1 मतलब रिवीजन फर्स्ट, R1 पे आपने क्या किया टिक मारा, कंप्यूटर पे टिक मारा, आज रिवीजन कर लिया, उसकी डेट लिख दी, ऐसे क्या होगा आपको आइडिया हो जाएगा किस चीज का आपने रिवीजन करना है और कितनी बार किसका रिवीजन किया है, कौन चीज आपके दिमाग में कितनी बसी हुई है, जिसको टाइम ज्यादा होगा वो फट से देखते ही पता चल जाएगा। कभी भी पढ़ना यार क्या पढ़ा जाए क्या पढ़ा जाए, बिल्कुल मत देखो, एक तरीके से
अरे मैं तुमसे पूछूं किसी चैप्टर का नाम लेके फलाने चैप्टर तुमने किस डेट को रिवाइज किया था, क्या तुम बता पाओगे? नहीं बता सकते, क्लियर? इतना थोड़ी याद रहता है। तो आप लेकिन ये चार्ट असल में तुम्हारा खुद अपने आप में शेड्यूल है, तुम मुझसे आगे शेड्यूल प्लान कराते हो, तो बेटर है खुद कर सकते हो यार। पीछे वाले लड़कों समझ में आ गई बात, कोई डाउट है इसमें? तो आप सुबह उठना या कभी भी शाम को यार क्या पढ़ा जाए यार समझ में नहीं आ रहा, फिर से देखो जिसको ज्यादा दिन हुआ है उसमें पढ़ो, एक मारो आज की डेट डालो, पांच रिवीजन के मौके पांच रिवीजन के मौके हैं और पांच रिवीजन बहुत हो जाएगा, क्लियर? पांच तक पहुंचते पहुंचते बेटा फीकल मैटर विद अ लॉट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल आए हैं ना, और ये चार्ट और ये बुकलेट आपको एक साथ मिल जाएगी। अच्छा सुनिएगा गाइस से, ठीक है? आप पहले एक बात, एक मिनट बुकलेट दे दीजिए प्लीज, ये बताइए आपको क्या लगता है, मतलब एक ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब जो दिल में है बोल देता हूँ, मतलब लगता है मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। ये चार्ट कितने का छपा हुआ अंदाजा? अरे तुम्हारे चार्ट पेपर का डबल है, ठीक है? तो ये बताओ तब एक अंदाजा, ऑप्शन 20, 30, 40, 50 और ये तुम्हें बुकलेट कितने की लग रही होगी? इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं जो मैं बता रहा हूँ, सुनिए आपने स्टूडियो देखा है? स्टूडियो मतलब आपने अच्छा वो देखा जहाँ जो मेरी बिल्डिंग है व्हाइट कलर की, साहिल सिद्दीकी बोर्ड है डॉग स्टोर पर, देखा है ना? उसके जस्ट सामने एक शॉप खुली है, ठीक है? उसकी स्टेशनरी शॉप देखा है ना? वो लाइन के जस्ट आगे, समझ गया ना तीसरा मतलब? तो वहां पर जाइएगा और ये बुकलेट मांगिएगा, क्लियर? वो आपको 50 रुपए में बुकलेट के साथ आपको एक चार्ट दे देगा, क्लियर? इसके बीच में फंसा रहेगा और लगा लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा पेपर का लेवल क्या होता है, पेपर आता कैसा है, ठीक है? और जो लोग डराते हैं क्या वो सही है या नहीं, आज की बात यही तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।